नमस्कार आदाब, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख, आज की ताजा और अहम खबरों के साथ। बुरहानपुर से हमारे संवाददाता जमील साहब की खास रिपोर्ट। जिला अस्पताल धोखाधड़ी एवं शासकीय राशि गबन मामले में तीसरे आरोपी अशोक पठारे को लालबाग पुलिस ने किया गिरफ्तार। अशोक जिला अस्पताल की अकाउंट शाखा का मुख्य बाबू है। उसके पास से 5,93,000 नकदी जब्त। कोरोना काल के दौरान जिला अस्पताल के रेगुलर खाते, रोगी कल्याण समिति व NHM से जुड़े खातों में 8,45,00,00,000 की राशि आई है, जिसे अलग अलग नाम के खातों में डालकर निकाला गया। पुलिस द्वारा जिला अस्पताल व CMHO कार्यालय से रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर 65 अन्य खातों की जानकारी बैंकों से जुटाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री राहुल कुमार लोधा के निर्देशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह गणेश के मार्गदर्शन में लालबाग पुलिस द्वारा जिला अस्पताल धोखाधड़ी प्रकरण साक्ष्य पूछताछ के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी लगातार जारी है। नमस्कार, मैं पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोधा आप सब लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में हमारे शहर में एक अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ में फर्जीवाड़े का मुकदमा कायम हुआ है, जिसके अंदर लगभग 8 से 10 करोड़ की राशि का गबन करने की बात सामने आई है। पुलिस प्रशासन इसमें लगातार विवेचना करके जो दोषी है उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। हम लोगों की तरफ से सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर छाने जा रहे हैं, मगर मेरे संज्ञान में आया हुआ है कि ऐसे बहुत सारे जो व्यापारी हैं और इंडस्ट्रीज वाले हैं जिनके द्वारा अस्पताल प्रबंधन को जेन्युइन सामान बेचा गया था, और उसके बावजूद भी वो लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं और शहर में इधर उधर भगदड़ की स्थिति मची हुई है, और उनको भी एक असमंजस की स्थिति है कि क्या उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। वो जाके और कुछ लोग इस चीज़ों का जो है वो अनावश्यक रूप से उनको डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस द्वारा जो दोषी है उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद ही हम लोग किसी भी व्यक्ति को इस केस में आरोपी बनाएंगे और पूरे सबूत के साथ में ही उसकी गिरफ्तारी करेंगे। आपके द्वारा अगर कोई जेन्युइन काम किया गया है, व्यापार किया गया है, तो आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको अगर कोई भी असमंजस की स्थिति है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर लालबाग थाने पर भी जा सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो आप SP ऑफिस में भी आ सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा जेन्युइन कारोबार किया गया है, एक्चुअल में जेन्युइन फर्म्स है, उसको डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस के द्वारा 100% निष्पक्ष होकर और सही तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इस चीज़ को मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। हाय विकी, एक बात बताओ, तुम हमेशा फ्रेश कैसे रहते हो? क्या राज है? अरे सीक्रेट नहीं, ये कमाल है आनंद मुखवास की, जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह। सौंफ, धना दाल, तिल, अजवाइन जैसे नेचुरल चीजों से बना, छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सांस अब आपके पास। आनंद मुखवास के साथ अब 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए और फैमिली पैक में भी उपलब्ध।